मैंने ली प्रैक्टिकल की कॉपी जो कि एम्प्टी थी। अब मुझे इसमें बनाने थे इतने सारे ड्राइंग्स, सो मैंने ली इतने सारे कलर्स की हेल्प। राइट गाइस, सो मैं आज बनाने वाली हूँ ये पेंटिंग। अब आप लोग बोलोगे ये पेंटिंग क्यों बनाने जा रही है यार, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि प्रोजेक्ट फाइल आया मेरे स्कूल से, वो भी एक नहीं, मैं आप लोग को शो करती हूँ। ओह शिट, 1 2 3 4 5 6 7, यू कैन सी। अब इसे बनाते रहो पूरी जिंदगी भर, मुझे तो बिल्कुल पेंटिंग्स के आइडिया नहीं है, थोड़े बहुत बनाए हैं, बट देखते क्या होता है। सो लेट्स आज मुझे स्टार्ट। स्कूल की तरफ से ऑर्डर आया था कि मुझे A3 कॉपी का साइज लाना है, तो मैं ले आई ये प्रैक्टिकल के लिए बनाने के लिए। सो मैंने फर्स्ट पेज खोला, इस पर अपना नेम लिखा और स्टैंडर्ड लिखा, एंड इसके बाद यहाँ पे पता नहीं क्या लिखना था, रोल नंबर तो दिया नहीं है स्कूल वालों ने। सो मैं मूव कर गई नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज तो खाली था। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँ, तो ऑफकोर्स मुझे बनाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना आ जाएगा फ्री में। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज मैंने इसे ना पेंसिल से स्केच करा, ना कि पेंटिंग करा है इस पर, तो मैं ट्राई करूंगी, मुझे आता नहीं है वैसे उतनी पेंटिंग, बट मैं ट्राई करूंगी। ओके सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। गाइज मैंने इसे एम्प्टी छोड़ दिया, क्योंकि ये वाली जो पेंटिंग है ना ये थोड़ी ईजी है, तो मैं इसे बाद में भी कर सकती हूँ, बट अभी जो हार्ड है इतने सारे पड़े हुए हैं तो उसे भी तो करना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि मैं आगे बना लेती। सो मैंने ये बनाया, यू कैन सी, ओके जूम्ड है, यू कैन सी दिस, बिल्कुल यहाँ पे ग्रीनरी थोड़ी सी पेड़ में गड़बड़ी हो गई, बट इट्स ओके, बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से तो, बिल्कुल अच्छी। और दूसरी ये मैं आप लोगों को रियल इमेज के साथ दिखाती हूँ, ताकि आप लोगों को देखने में अच्छी रहेगी। सो यू कैन सी दिस, ये है रियल इमेज वर्सेस दिस मैंने जो बनाई, और मे बी गुड। ओके आगे देखते हैं, ये वाली तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही, मैं क्या करूँ गाइस, बहुत मेहनत लगा फिर भी नहीं हो पाया, बट कोई बात नहीं। ये नेक्स्ट दिस वन एंड दिस, यू कैन सी दिस, ब्यूटीफुल। एंड ये वाली कहाँ गई, ये रही, फिर लेट मी शो यू, ब्यूटीफुल। ओके एंड दिस लास्ट गाइस, दिस इज बहुत ज़्यादा मेहनत लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा, यू कैन सी दिस, वेट आई विल शो दिस दिस। और इन सारे चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए मेरी मेहनत तो लगी ही लगी, साथ ही साथ इन सब की भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, ये फिर इन दोनों की, फिर मेरे स्केचेस की, और मेरे इन दो ब्रशों के कमाल से, और एक मग पानी से, और मुझे पेन और पेंसिल्स की भी बहुत ज़्यादा जरूरत है। एंड थैंक यू सो मच टैब इतना बड़ा सा व्यू देने के लिए, और मैं इतना अच्छा बना पाई। ओके बाय बाय गाइस, मुझे लेट हो रहा है, अभी बहुत सारे प्रैक्टिकल बनाने, बाय बाय।